हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ब्यूटीफुल टॉप टाइप कुर्ती की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसमें मैं बेल स्लीव्स बनाने वाली हूँ लॉन्ग। इसे बनाने के लिए ये मैंने जॉर्जेट का फैब्रिक लिया है, एक कॉटन का फैब्रिक। सबसे पहले इसको फोल्ड कर लेंगे। फैब्रिक को इस तरह से टू फोल्ड में कर लेंगे। सबसे पहले शोल्डर ले लेंगे 7 इंचेस, यहाँ से 1/2 इंचेस डीप कर लेंगे। आर्म होल 7 इंचेस ही लेंगे, यहाँ पर 1/2 इंचेस की गोलाई कर लेंगे अंदर साइड। ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा। अंदर वाले लाइन से 1/2 इंचेस की गोलाई कर लेंगे, ये फ्रंट के लिए, और ये 1.5 इंचेस ये बैक के लिए। अब यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे, इसकी लंबाई 13 इंचेस लेंगे। इसमें 2 इंचेस बाद में हम ऐड करेंगे। यहाँ से ऊपर से चेस्ट की मार्किंग करेंगे। मेरी मेजरमेंट से चेस्ट है 30 इंचेस, तो इसमें हम 7.5 इंचेस लेंगे फोर्थवा भाग। और यहाँ पर कमर का मार्क लगाएंगे। मेरी मेजरमेंट से कमर है 28 इंचेस, तो यहाँ पर 7 इंचेस लेंगे, फोर्थवा भाग 7 इंचेस ही होगा। और यहाँ से हम इसमें नेक की मार्किंग कर लेंगे 6 इंचेस। यहाँ से बाद में हम ये हम निशान थोड़ा सा आइडिया लगाने के लिए कर रहे हैं, बाकी की हम इसका नेक जो है फ्यूज पेपर से बनाएंगे। यहाँ से 3 इंचेस लेंगे, ऊपर से 9 इंचेस, इसको सीधा कर लेंगे। और यहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे, ये 1/2 इंचेस का प्लेट्स बनेगा यहाँ पे। और इसको हम पूरा ले लेंगे, सीधा कर लेंगे इसको इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा जो प्लेट्स बनेगा, तो ये हमारा फैब्रिक क्लियर हो जाएगा। इसको रख के हम बैक पार्ट कट कर लेंगे। ये दोनों पीसेस मैंने कट कर ली हैं, फ्रंट पार्ट में डीप करेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग हम प्रिंटेड फैब्रिक से 2 पीस कट कर लेंगे। ये 2 पीसेस मैंने कट कर लिए हैं, इसको हम यहां पर, ये हमारा बैक होगा और ये हमारा फ्रंट। अब इसका फ्लेयर कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको अच्छे से रखेंगे। फैब्रिक को मैंने 2 फोल्ड में रखा है। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग इसकी ले सकते हैं। ऊपर की साइड 15 इंचेस लीप करेंगे, उसके बाद जो भी आपकी लेंथ हो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मेरे मेजरमेंट से 36 इंचेस की लेंथ है, तो ये अस्तर का हम कम लेंगे, तो इसमें हम 33 इंचेस लेंगे। ये यहाँ पर हम मार्किंग कर लेते हैं, ऊपर से थोड़ा सा कट कर देते हैं, क्लियर कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा 15 इंचेस ऊपर की साइड, और ये 33 इंचेस पूरा। अब इसकी विड्थ ले लेंगे। विड्थ मैं इसमें ले रही हूँ 27 इंचेस। यहाँ से कट कर लेंगे, को सीधा कर लेंगे। अब इसके हम 2 पीसेस कर लेंगे। इसी के अकॉर्डिंग हम प्रिंटेड फैब्रिक से पीसेस को कट करेंगे, बाद में आपको समझा देंगे। ये मैंने पीसेस कट कर लिए हैं, अब हम आपको समझा देते हैं। जो प्रिंटेड फैब्रिक लेना है वो 13 इंचेस मैंने एक्स्ट्रा लिया है, और नीचे साइड से 4 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है। अब इसकी स्लीव्स कट कर लेंगे। फैब्रिक को 4 लेयर में फोल्ड करेंगे। यहाँ से इसको सीधा कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम 8.5 इंचेस का मार्क करेंगे। यहाँ से 3 इंचेस डीप करेंगे और यहाँ से गोलाई कर लेंगे। स्लीव्स की लेंथ मैं इसमें ले रही हूँ 10 इंचेस, बेटर है आप 10 इंचेस ही लें। और यहाँ पर इसमें मोहरी ले रही हूँ 5 इंचेस, 1 इंचेस एक्स्ट्रा ले रही हूँ मार्जिन के लिए। इसको कट कर लेते हैं। ये इस तरह से 2 स्लीव्स मैंने कट कर लिए हैं। फैब्रिक को फिर से हम फोल्ड करेंगे।
और स्लीव्स का फ्लेयर, जो बेल स्लीव्स बनाने वाली हूँ, फ्लेयर उसका कट कर लेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर हम राउंड बना लेंगे। इसको मेज़र नहीं करना है, मैंने 4 इंचेस का लिया है क्योंकि इसमें हम छोटे छोटे से प्लेट्स भी बनाएंगे, तो इसको ज़्यादा मेज़र नहीं करना है। सबसे पहले 10 इंचेस ऊपर की साइड लीव कर देंगे। फ्रंट में ऊपर की साइड जितना आप लेना चाहें ले सकते हैं। फ्रंट में मैं ले रही हूँ 18 इंचेस, और जो नीचे साइड वाला हिस्सा रहेगा जॉइंट के हिसाब से, मैं उसमें ले रही हूँ 22 इंचेस, यानी कि ये हमारा नीचे रहेगा और 18 इंचेस ऊपर। तो इस तरह से राउंड बना लेंगे। अब इसको कट कर लेंगे। इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मुझे दवाई लगाकर काफ़ी टाइम तक बैठना पड़ता है, इसलिए मैं वीडियो रेगुलर नहीं बना पा रही हूँ। इसी के अकॉर्डिंग हम दूसरा स्लीव्स कट कर लेते हैं। ये दोनों स्लीव्स मैंने कट कर लिए हैं, ये कुछ इस तरह से आएंगे। अब इसका नेक कट कर लेंगे। सबसे पहले नेक की विड्थ लेंगे। नेक की विड्थ मैं ले रही हूँ इसमें 4 इंचेस, बेटर है 4 इंचेस ही लें, इसे कम ना लें। और यहाँ से 6 इंचेस इसकी टिप ले रही हूँ। अब इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरह से, इसको कट कर लेंगे। ये नेक हमारा फ्रंट नेक होगा। अब इसका बैक नेक कट कर लेंगे। इस साइड से ले लेंगे 4 इंचेस ब्रेथ ले लेंगे, 2 इंचेस इसके डीप ले लेंगे। इस तरह से गोलाई कर लेंगे, इसको कट कर लेंगे। अब इन दोनों नेकों को हम फैब्रिक के ऊपर चिपका लेंगे, तरह से रखेंगे और इसको आयरन से चिपका लेंगे। प्रेस से अच्छे से चिपका लेते हैं हम इसको। ये पीसेस कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। अब ये पीसेस को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हमें इनको अच्छे से मैच करते हुए रखना है और चारों साइड से इसमें सिलाई लगाना है दोनों पीसेस में। ये पीसेस कंप्लीट कर लिए हैं मैंने। अब यहाँ से हम, ये हमारा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में 4 इंचेस लेंगे और ऊपर की साइड भी 4 इंचेस लेंगे और यहाँ पर एक लाइन बना लेंगे। ये लाइन इस साइड भी बनाएंगे, यहाँ से 8 इंचेस, 4 इंचेस। यहाँ पर हम प्लेट्स बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट में हम 3 इंचेस पर प्लेट्स बनाएंगे, 3 इंचेस ऊपर से 9 इंचेस, 9 इंचेस तक प्लेट्स बनाएंगे। इसको हम इस साइड भी कर लेते हैं। ये इस तरह से मार्किंग करेंगे और ये प्लेट्स हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे इनमें। इसी तरह से इस साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों पार्ट में मैंने प्लेट्स बना लिए हैं। अब इसका नेक बनाएंगे, पार्ट्स को अच्छे से मैच कर लेंगे और बीच में एक कट लगा देंगे। इसमें भी कट लगा लेते हैं। नेक में भी हम कट लगा लेते हैं ताकि हमारा सेंटर में रहे। तरह से अब इसको पिनअप कर लेते हैं ताकि ये हमारा इधर उधर ना जाए। इसमें सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम इसको भी पिनअप कर लेंगे, यहां से कट लगाएंगे, तरह से रखेंगे और इसको पिन अप कर लेंगे। सिलाई लगा लेंगे दोनों पीसेस में। ये दोनों पीसेस में मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जैसे हम नॉर्मल कुर्ती में कट लगाते हैं। और इसके जो बैक वाला हिस्सा है उसमें हम हैंड स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर हम 2 इंचेस की पट्टी लेंगे। ये मैंने पट्टियाँ ली हैं, 2-2 पट्टियाँ ली हैं मैंने, यानी कि ये 3 इंचेस मैंने इसकी बर्थ रखी है, इसकी भी 3 इंचेस बर्थ ली है। ये पट्टियों की लेंथ हमें फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग रखनी है।
अब ये वाला पीस ऊपर रखेंगे और ये वाला हिस्सा नीचे साइड, यानी कि प्लेन वाला फैब्रिक नीचे। अब इसमें सिलाई लगा लेंगे। ये दोनों पीसेस मैंने पट्टी को अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से फैब्रिक को अच्छे से करेंगे, ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, नीचे साइड भी सिलाई लगा लेंगे दोनों पीसेस में। ये दोनों पीसेस में मैंने सिलाई लगा ली है। ये मैंने अस्तर का फ्लेयर लिया है, ये मैंने थ्रेड लिया है और थ्रेड को मैंने इसके अकॉर्डिंग रखा है, चोली के बॉटम के अकॉर्डिंग। और इसको हम इस तरह से रखेंगे करेंगे और इसमें प्लेट्स बना लेंगे। कुछ इस तरह से मैंने इसमें प्लेट्स बना ली हैं। इस तरह से प्लेट्स मुझे बहुत ईजी लगता है, इसलिए मैं ऐसे ही थ्रेड डाल के प्लेट्स बनाती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मशीन से बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, ये ईजी रहता है मुझे ज़्यादा और फिक्स भी बनता है, छोटा बड़ा नहीं होता है इससे। फिर से हम थ्रेड लेंगे इसी के अकॉर्डिंग और प्रिंटेड फैब्रिक में फिर से हम प्लेट्स बना लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप एक बार इस तरह से बनाएंगे प्लेट्स तो काफ़ी अच्छा रहता है बनाना। अगर आप बनाएंगे तो आप फिर इसी तरह से बनाएंगे, आई प्रॉमिस। और इस तरह से रखेंगे इसको, इसके ऊपर हम प्रिंटेड पीस को रखेंगे। इस तरह से आप देख सकते हो कितना सेम आया है ना, और मशीन से करते हैं तो क्लियर भी नहीं आता और प्लेट्स भी अच्छे से नहीं बन पाते। अब इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है और जो नेडल जो मैंने थ्रेड डाला था बड़ा बड़ा, उसको निकाल देते हैं। अब इसको हम ऊपर रखेंगे और नॉर्मली इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसमें मैंने सिलाई लगा ली है, अब ऊपर साइड फैब्रिक को करते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम बैक पार्ट में भी पीस को कम्प्लीट कर लेते हैं। ये फ्लेयर मैंने बैक पार्ट में भी यूज़ कर लिया है। शोल्डर जोड़ लेंगे, शोल्डर स्लीव मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसकी स्लीव्स अटैच कर लेंगे दोनों साइड। स्लीव को मैंने अटैच कर लिया है और ऊपर से भी मैंने सिलाई लगा ली है ताकि ये फैब्रिक हमारा स्लीव से ना दिखे। अब इसके अस्तर में सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। अब इसको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, इसको हम जोड़ लेंगे दोनों साइड से। इसको मैंने जोड़ लिया है और जोड़ने के बाद नीचे साइड सिलाई लगा लेना है। इसको सीधा कर लेते हैं। यह कुछ इस तरह से आएगा। अब इसमें हम ये बेल्स लगाएंगे। इसको कैसे लगाना है यहां पर थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेंगे। इस फैब्रिक को हम इस तरह से रखेंगे, ये हमारा नीचे वाला हिस्सा है और ये हमारा छोटा वाला ऊपर वाला हिस्सा है। तो ये जो ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको उल्टा कर लेते हैं। पहले इस तरह से उल्टा किया और इसको इस तरह से सीधी साइड से पकड़ा और ये जो है ना बड़ा वाला हिस्सा, उसको यहाँ से हम पकड़ेंगे। ये बड़ा हिस्सा है तो ये हमारा सिलाई की साइड आएगा, यानी कि नीचे साइड आएगा। तो ये वाला हिस्सा हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसको हम इस तरह से रखेंगे, तरह से रखेंगे और इसमें छोटे छोटे से प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से छोटे छोटे प्लेट्स बनाएंगे और पूरे में हम इसमें इजीली सिलाई लगा लेंगे। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी लगा लेंगे। अब इन स्लीव्स के फ्लेयर में हम पीको करवाएंगे। पीको मैंने सारा इसको कंप्लीट कर लिया है। स्लीव्स अब भी आपको दिखा देते हैं। स्लीव्स में मैंने पीको करवाया है दोनों स्लीव्स में। आप चाहें तो कुर्ती के फ्लेयर में भी पीको करवा सकते हैं, बट मैंने सिलाई लगाई है नीचे साइड और दोनों स्लीव्स इस तरह से आएंगे कुछ। अभी आपको पहन के दिखा देते हैं कैसा लगेगा इसका लुक। ये कुछ इस तरह से इसका लुक आया है और पहनने के बाद तो ये और भी खूबसूरत लग रही है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताएं वीडियो को कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।